आज 30 मार्च 2022 भारत में बुधवार है। इट्स वेनेसडे इन भारत। आज की मुरली का जादुई रहस्य स्वयं को प्रेरणा देने के लिए, मैजिकल सीक्रेट्स ऑफ टुडेज मुरली फॉर मोटिवेटिंग द सेल्फ। जैसे जैसे समय आगे बढ़ता जा रहा है, हर एक आत्मा को, फिर वो बाबा का बच्चा हो या लौकिक दुनिया में साधना करने वाली आत्माएं हैं, उनको अंदर से ये रियलाइजेशन आते जाती है कि अंतिम समय कभी भी आ सकता है। इसलिए हमको साधना करके संपूर्ण अवस्था को प्राप्त करना है। लौकिक आत्माओं में भी, विशेष करके सन्यासियों में ये अवस्था देखी है, जिसका आज की साकार मुरली में वर्णन आया है कि सन्यासी समझते हैं ब्रह्म में लीन हो जाए और इस ड्रामा के चक्कर से मुक्त हो जाए। अनुभव सुनाते हैं, 2000 साल में, माना आज से 22 साल पहले, एक कैंपेन को लीड कर रहे थे दिल्ली से कलकत्ता। तो उस समय ड्रामा प्लान अनुसार काशी में, माना जिसको अभी बनारस कहते हैं या वाराणसी कहते हैं, ये अंग्रेजों ने नाम दिया, तो ओरिजिनल नाम काशी है और काशी का काशीनाथ शिव बाबा है। तो बहुत बड़ा गढ़ है ब्राह्मणों का। और भारत में तो ऐसी कहावत आई है कि खाना खाना है तो सूरत का खाने का, माना जब हम गुजरात में थे तो वहाँ गुजराती में एक कहावत होती थी कि सूरत नु जमन अने काशी नु मरन, और मरना है तो काशी में जाके मरने का। तो बहुत सारी आत्माएं वृद्धा अवस्था में या वानप्रस्थ अवस्था में काशी में आके रहते ताकि शरीर हमारा उस पुण्य भूमि में छुट जाए। तो वहाँ पे बहुत सारे आश्रम हैं और बाबा का सेंटर उस समय, जो अलग अलग घाट है वहाँ पे, घाट माना एक ऐसा स्थान होता है नदी से लगकर, गंगा से लगकर, तो वहाँ पर सीढ़ियाँ बनी होती है तो उसको अलग अलग घाट कहते हैं। तो गाय घाट पे बाबा का सेंटर था। तो ड्रामा प्लान अनुसार वहाँ आकर थोड़ी तबीयत खराब हुई थी तो रेस्ट कर रहे थे। तब वहाँ ऑस्ट्रेलिया के भाई बहने आए और उनको इंटरव्यू लेना था भारत के साधु संन्यासियों का, और उनको ट्रांसलेटर चाहिए था। तो सचिन भाई को लेकर गए। तो वहाँ के जो निमित्त भाई है, वरिष्ठ भाई है, वो हमको एक आश्रम में लेके गए। तो कटिंग शॉर्ट स्टोरी, तो वो बहुत फेमस आश्रम है, बहुत अंदर है, और उनके जो मुख्य थे वो, उनको प्रश्न पूछना था हिंदी में, और ये अपने ऑस्ट्रेलिया के भाई बहने कैमरा लगा कर मुझे प्रश्न पूछते थे अंग्रेजी में, और मैं उसका हिंदी में भाषांतर करके उनको पूछता था। वो अपने आसन पर स्थित होकर जवाब देते थे। तो बहुत अच्छा ऐसे लगता था, ये ऑस्ट्रेलिया के भाई बहने तैयारी में आए थे तो बहुत गुह्य प्रश्न पूछे थे ईगो के ऊपर, अहंकार के ऊपर, स्टेट ऑफ कॉन्शियसनेस, माना चेतना के विभिन्न स्तर जो भक्ति मार्ग में मानते हैं, जैसे जागृत, स्वप्न और सुषुप्ता अवस्था, और तुरिया स्टेज और तुरिया तत्ता करके, ये अलग अलग योग की अवस्थाएं हैं। आगे चलकर कभी समय मिला तो इसके ऊपर प्रकाश डालेंगे। तो कहने का भाव है, ये सब बताने का, जब ये इंटरव्यू पूरा हुआ तो वो सन्यासी डायरेक्ट हमारे पास आए और हमसे मराठी में बात करने लगे। तो आई वॉज शॉक्ड, क्योंकि उनको मैंने बताया नहीं था कि मैं महाराष्ट्र से हूँ, मैं बोल हिंदी में रहा था, लेकिन उन्होंने उसे पकड़ लिया और उन्होंने पूछा
पूछा कहाँ से क्या है, तब उन्होंने कहा 2 मिनट रुको, आपके लिए किताब है। और उन्होंने किताब दिया, उस किताब का नाम था, मराठी में था, उसका नाम था जन्म हा अखेर सा, माना ये आखिरी जन्म है। ये बात मैं आपको 22 साल पहले की सुना रहा हूँ और बहुत मुस्कुराए। और वो शिव को मानने वाले थे, शैव संप्रदाय कहते हैं, और उन्होंने PhD किया हुआ था। वो ऐसे वैसे शास्त्रवादी नहीं थे, PhD भी किया हुआ था। और मैंने पूछा ये आखिरी जन्म किस आधार से, बोला आपको बताने की जरूरत नहीं, आप लोग पहले से ही जानते इस बात को। माना वो इतना गुप्त था कि इनको पता है कि आगे क्या होने वाला है, लेकिन ये अपनी साधना में लगे हुए, क्योंकि इनके हजारों फॉलोअर्स हैं, बाबा ने आज कहा ना, वो नहीं छोड़ सकते हैं। तब उन्होंने शुभ भावनाएं दी मुझे बहुत मुस्कुराते हुए। तो कहने का आपको भाव है कि आध्यात्मिकता में भी लोग साधना इसलिए करते हैं कि अंतिम समय में परमात्मा को याद करें। हमने श्रीमद् भगवद गीता स्टडी ग्रुप में 8वां जो अध्याय है, अक्षर ब्रह्म योग, उसमें ये बात देखी कि स्मरण मुक्त्वा कलेवरम, या जिसको बाबा ने कल की मुरली में कहा था कि अंत मते साएवा गत्वा। तो बाबा कंसिस्टेंटली उसी बात को पकड़कर चल रहे हैं जो आज बाबा ने मुख्य सार में कही हुई है, कि ऐसी अवस्था पक्की होनी चाहिए जो अंत में बाप के सिवाय कोई भी याद ना आए। पहले भी हमने देखा जो भाई बहने कहते हैं हमारी अमृत वेला अच्छी नहीं है, उनको अपनी दिनचर्या के ऊपर अटेंशन देना चाहिए। बहुत भाई बहने अभी भी कंप्लेंट करते हैं कि हमारी नींद पूरी नहीं होती है या फ्रेश नहीं रहते अमृत वेला। आपको बता दूं कि जगदीश भाई के साथ जब मुलाकात हुई थी पहली बार, तब उनको प्रश्न पूछा था कि आपसे मैं आगे जाना चाहता हूं तो क्या पुरुषार्थ करो। तब तो उन्होंने अनेक जो बातें कही थी, उसमें ये मुख्य बात थी कि जब भी योग करने बैठते हो, विशेष अमृत वेला फ्रेश होकर बैठो, क्योंकि अमृत वेला सबसे ज्यादा कमाई का समय होता है। हम तो कहते हैं अमृत वेला बख्शिश का टाइम होता है, अवार्ड लेने का टाइम होता है, परमात्मा अवार्ड हमको अमृत वेले मिलता है। लेकिन अवार्ड किसको मिलता है, जिसकी द डे बिफोर दिनचर्या बहुत परफेक्ट हो, जिनकी पूरी दिनचर्या अच्छी रहते हैं, वही अमृत वेला डिटैच होके बाबा के गोदी में जाकर बैठ जाते, स्थित हो जाते, स्थिर बुद्धि बन जाते हैं, जैसे बैठे और गए और बाबा के साथ बैठे रहे। फिर बाबा यूज करता है उनको विश्व को वाइब्रेशन देने के लिए या फिर साक्षात्कार कराने के लिए। और ये भासना आती है नंबर वार कि बाबा कुछ कर रहा है, तो अमृत वेले बख्शीस वही लेते हैं जिनकी दिनचर्या अच्छी है। तो ये एक दिन की बात हो गई। ऐसे ही शरीर छोड़ते समय जिन्होंने बहुत काल का अभ्यास किया हुआ है अशरीरी बनने का, उनके लिए बहुत सहज हो जाता है। और वो सहज ही शरीर ऐसे छोड़ते हैं जैसे मक्खन से बाल, बैठे बैठे शरीर छोड़ देंगे आराम से, माना कोई खींचेगा नहीं उनको, पुराना शरीर, दुनिया या संबंधी, क्योंकि उन्होंने अपनी बुद्धि को निकाल दिया है यहाँ से। कोई जल्दबाजी नहीं होगी उनको, कोई इम्पेशंस नहीं होगा, कोई रिग्रेट नहीं होगा कि अरे रे ये करना चाहते थे ये रह गया, उससे ये माफी मांगना चाहते थे वो रह गया, क्योंकि सभी अकाउंट्स इन्होंने क्लोज कर दिए होते हैं। पहले भी हमने देखा, इसको बार बार रिवाइज करना है कि मृत्यु और मोक्ष में क्या अंतर है। मृत्यु माना सांसें खत्म हो चुकी, इच्छाएं अभी भी बाकी है, तो वो इच्छाएं आपको फिर से जन्म लेने के लिए प्रवृत्त करेंगे। मोक्ष माना इच्छाएं समाप्त हो चुकी है, मेरी अभी कोई भी इच्छा नहीं है, मैं तृप्त हूँ, संतुष्ट हूँ, संपन्न हूँ। तो सांसें अभी तक बाकी है लेकिन इच्छाएं समाप्त हो चुकी है, ये मुक्ति और जीवन मुक्ति की अवस्था है। जो आज बाबा ने कहा पहले मुक्ति में जाएंगे फिर जीवन मुक्ति में आएंगे। तो इसी शरीर में जहां पर भी हमारा पार्ट है, जिस घर में, शहर में,
वहां पर हम मुक्ति की स्थिति का अनुभव करेंगे नंबर बार पुरुषार्थ अनुसार। माना आपको अंदर से ऐसी भासना आएगी कि मैं मुक्त हूँ। एक है अपने आप को याद दिलाना कि मैं मुक्त हूँ या जीवन मुक्त हूँ, और एक है अंदर से फीलिंग में आना, गहरी फीलिंग में, कि मैं मुक्त हूँ और जीवन मुक्त फरिश्ता हूँ। मेरे साथ सब कुछ अच्छा हो रहा है, मैं बहुत सुखी हूँ, मैं वरदानी आत्मा हूँ। ये अंदर से महसूसता आएगी, ये बोलने की बात नहीं है। कई बार देखते हैं कि कुछ भाई बहनों में ये बोलने के संस्कार आ जाते हैं, फीलिंग नहीं आती है। मैंने वहाँ पे डिस्कनेक्ट दिखाई देता है कि ये दिमाग से बोल रहे हैं, दिल से नहीं आ रही इनकी ये बात। तो बहुत स्पीच में देखा, बोलते हैं कि मेरी आपके लिए शुभ भावना और शुभ कामना है। अभी ये भावना और कामना बोलने की बात नहीं है, ये तो दिखाई देता है, ये फील होता है लोगों को कि आपकी शुभ भावना और शुभ कामना है। बोलना माना ये वैसे हो गया कि कोई अपनी नम्रता के बारे में कह रहा है कि मैं बहुत नम्र हूँ। अरे आप नम्र है तो दिखाई देता है कि आप नम्र है, आपको बताने की जरूरत नहीं कि आप नम्र है, ये वाइब्रेशन की बात है। इसलिए आजकल लोगों का ट्रस्ट जा रहा है, क्योंकि लोग बोलते हैं बहुत बड़ी बड़ी बातें, लेकिन उनके वैसे वाइब्रेशन नहीं आते हैं। तो ये डिस्कनेक्ट है बिटवीन थॉट एंड बिहेवियर, माना संकल्प और कर्मों में फर्क दिखाई देता है। तो हम अंदर बाहर अगर एक है, हम जो सोचते हैं वही बोलते हैं और वही करते हैं, तभी वाइब्रेशन हमारे आएंगे, लोगों को भासना होगी। नहीं तो पता चलेगा कि इसने दिमाग से ज्ञान को समझ लिया है। जिसको बाबा कहते हैं दिमाग वालों का आवाज दिमाग तक जाएगा और दिल वालों का दिल तक जाएगा, इसलिए परिवर्तन नहीं होता है। हमारी दादियाँ जो भी बात कहती है दिल को छू जाती है। अभी वो किसी यूनिवर्सिटी में नहीं गई है, हार्वर्ड में वगैरह नहीं गई है, लेकिन दिल साफ है। तो बाबा को एकदम अपने गागर में बिठा लिया है तो सीधा तीर लगता है। ऐसे बहुत बाबा के बच्चे हैं जो संपूर्ण पवित्र है, तो उनका तीर लगता है, सामने वाले को रियलाइजेशन होती है। अभी ये क्यों नहीं हो पाता है सभी से, उसका कारण बाबा ने कहा आज की मुरली में कि आग लगी हुई है अंदर, आग। और सबसे बड़ी आग इस समय है काम की अग्नि, इसको कामाग्नि है। अनफॉर्चुनेटली कुछ साइकोलॉजिस्ट ने, जैसे कि फादर ऑफ मॉडर्न साइकोलॉजी कहते सिगमंड फ्रॉयड, उन्होंने कहा कि पूरी दुनिया काम के ऊपर चलती है ना। तो उन्होंने इसको अलग अलग नाम दिए हैं उनके उस समय जो भाषा थी उस अनुसार। तो अनफॉर्चुनेटली लोग इसे ही समझते हैं, और आज लोगों ने समझाया कि काम की अग्नि जरूरी है, यही हमको संतुष्टता का अनुभव करती है, सेटिस्फैक्शन देती है। ये इतना डीप गया है कि अगर आप काम विकार को यूज नहीं करेंगे तो कई लोग तो यहाँ तक कहते हैं कि आप पागल बन जाओगे, बीमार पड़ जाओगे आप। अभी वंडर लगता है, एक गृहस्थी परिवार आया, अभी उनके घर में गीता पाठशाला है, मुझे आकर कहता है कि डॉक्टर साहब से पर्सनल बात करने। मैंने कहा पूछो क्या हुआ, तो उन्होंने कहा हमारे डॉक्टर ने कहा कि आप ये जो पवित्र रहते हैं इससे आप बीमार पड़ जाएंगे और आप पागल भी हो सकते हैं, तो क्या करूं समझ में नहीं आता है, वो हमारे पुराने डॉक्टर है। तो मुझे बहुत रहम आया इस आत्मा के ऊपर, बाबा को भी मानता है लेकिन वो डॉक्टर ने दिमाग में डाल दिया, तब से डिस्टर्ब है। एक बार तो विकार में जाना चाहिए, हफ्ते में 10 दिन में, आप पूरी तरह से रोको नहीं उसको। तो ये मान्यताएं है, अभी बाबा के बच्चों को सोचना चाहिए कि सबसे बड़ा डॉक्टर कौन है, वो हद का डिग्री वाला डॉक्टर है या अविनाशी सर्जन है, किसकी मानना चाहिए। तो आज आखिर में बाबा को बोलना पड़ा धारणा के सार में कि बाप को मत नहीं दो, बाप को अपनी मत नहीं देनी है, एक बाप की मत पर चलना है और निश्चय बुद्धि बन बाप की जो श्रीमत मिली है उस पर चलते रहना है। लोग कुछ तो कहेंगे ना,
दुनिया में गीत है, कुछ तो लोग कहेंगे, लोगों का काम है कहना, हमारा काम है श्रीमत पर चलना। जिनों जिनों ने अपोज किया था शुरुआत में, वो आज सब नतमस्तक हो गए हैं। आपको कितने अनुभव सुनाए, 25 साल से भारत में सेवा के निमित्त है। कर्नाटक का अनुभव सुनाते हैं, एक जगह पे शिविर ले रहे थे, तो वहां पर शिविर के आखिरी दिन, सीक्रेट ऑफ अल्टीमेट लिविंग पे शिविर था, आखिरी दिन पर वहां के मुख्य जो थे नामी ग्रामी, स्टेज पर आकर पैर पकड़ लिया और कहते हमसे गलती हो गई, और फिर अपना अनुभव सुनाया कि यहाँ 10 साल पहले ब्रह्मा कुमारी आई थी तो हमने इनको बहुत परेशान किया, हमने देखा कि इनको यहाँ से निकाल देना चाहिए, बहुत अपोजिशन, इनको कमरा नहीं मिले वगैरह वगैरह। आज हमको पता चल रहा है हमसे गलती हो गई और उसके लिए हम माफी मांगते हैं। तो लोग सुनर और लेटर आर गोइंग टू रियलाइज, आज नहीं तो कल लोगों में महसूस तो आएगी, क्योंकि अंतिम विजय सत्य की होती है। देखो आजकल पॉलिटिशियन भी ऐसे बोर्ड लगाते हैं, भले भ्रष्टाचार करके जेल में जाएंगे करोड़ों का, और बाहर आके उनका बोर्ड पे लिखा हुआ रहता है कि क्या लिखते हैं कि सच हिलता है डुलता है लेकिन डूबता कभी नहीं, ये पॉलिटिशियन लिख रहे हैं जिन्होंने भ्रष्टाचार करके जेल में गए हैं, बहुत बड़ा होर्डिंग में लिखते हैं। तो क्या कहेंगे ऐसे को, एक को जेल में डाला तो उसने कहा कि देखो कृष्ण को भी जेल में डाला था और आपने मुझे जेल में डाला है, तो इट इज वेरी डिफिकल्ट कि मैं रॉन्ग हूँ। ये रियलाइजेशन चलो बाहर वालों में नहीं हम समझ सकते हैं, लेकिन कई बाबा के बच्चों में भी नहीं है, क्योंकि देह अभिमान इतना सूक्ष्म है कि मैं रॉन्ग हूँ ये एक्सेप्ट ही नहीं करते हैं, हमेशा समझते हैं कि मैं तो राइट हूँ। अभी राइट और रॉन्ग कैसे समझे, तो हमारे लिए इंडिकेटर है बाबा की श्रीमत, और बाबा ने कितने बार कहा कि सत्य को सिद्ध करने की आवश्यकता नहीं है, सत्य को स्वयं में सिद्ध होने की शक्ति प्राप्त है। सत्य परेशान हो सकता है लेकिन पराजित नहीं हो सकता, एक्चुअली हमको परेशान भी नहीं होना चाहिए पर समान की शान में रहना चाहिए। लेकिन ये बात क्यों आई, क्योंकि बाबा जो कह रहे हैं काम की अग्नि लगी हुई है, इसके लिए तुमको फायर ब्रिगेड बनना है, और लोग समझते हैं ये पागल है, दुनिया के अपोजिट में जा रहे हैं, ऐसे दुनिया कैसे चलेगी या पति पत्नी का रिश्ता कैसे रहेगा। तो उनको हिंदी में हम ऐसे कहते हैं कि डंके की चोट पर आपको कहना है, डंके की चोट पर हमको कहना है कि हम भगवान की श्रीमत पर चल रहे हैं, तो हमको दुनिया की चिंता नहीं है दुनिया चलेगी या नहीं चलेगी, हमको पता है कि जो ज्ञान का सागर त्रिनेत्री त्रिकालदर्शी शिव बाबा है, जो बोलता है वो तीनों कालों में सत्य है, पूरा निश्चय होना चाहिए। तो एक ही रूहानी मिशन है जो इस आग को बुझा सकता है। काम माना सेक्स लस्ट इज पार्ट ऑफ इट, काम विकार एक उसका हिस्सा है, अगर काम की जड़ में जाओ तो बाबा ने कहा कामनाएं हैं, कामनाएं जिसको हमने दूसरे अध्याय में 55वें श्लोक में देखा, सांख्य योग, प्रजहाति यदा कामान सर्वान पार्थान मनोगतान आत्मन्येव आत्मनः तुष्ट स्थित प्रज्ञा तदोश्चते। तो कामनाओं का त्याग करते हैं और आत्मा में संतुष्टता का अनुभव करते हैं, वही संपूर्ण स्थित प्रज्ञ अवस्था में रह सकते हैं। तो कामनाओं का त्याग करना है, और अनफॉर्चुनेटली ये मीडिया का इतना प्रभाव है, टीवी का ये पंच लाइन उन्होंने फेमस कर दी कोल्ड ड्रिंक के लिए कि ये दिल मांगे मोर, हर जगह पे अभी लोग कहते हैं ये दिल मांगे मोर, क्योंकि किसी फिल्म में कहा ये दिल मांगे मोर, किसी फिल्म में कहते अब कंट्रोल नहीं होता है, मैं इस काम विकार के बगैर रह नहीं सकता हूँ, ऐसे भी बाबा के बच्चे। तो बाबा ने काम विकार को 3 स्टेजेस में डाला है, सतो रजो और तमो। अभी सतो कैसे हो सकता है, तमो तो हम समझते हैं कि कुछ लोगों को डेली काम विकार चाहिए, रजो कभी कभी चाहिए, सतो काम विकार क्या होता है, तो किसी से प्रभावित होना, ये है काम विकार का अंश, इसलिए बाबा ने इसको भी विकार कहा है। और बाबा की श्रीमत है न किसी से प्रभावित होना है न किसी को प्रभावित करना है, दोनों बातें हैं। प्रभावित होना माना क्या, तो कोई देहधारी अच्छा लगता है
उसके गुणों की वजह से अच्छा लगता है। ये सूक्ष्म माया है। बाबा ने इसके ऊपर कहा है कि सूक्ष्म माया, देहदारी से बात करना अच्छा लगता है, उनको देखना अच्छा लगता है, उनकी कंपनी अच्छी लगती है, उनके क्लासेस अच्छे लगते हैं। तो बाबा ने कहा फिर बाप किधर गया? अगर इन्हीं की बातें अच्छी लगती है, इनका क्लास ही अच्छा लगता है, तो बाप किधर गया? बाप को परम धाम निवासी बना दिया। लौकिक में हम समझ सकते हैं जो स्पीकर क्वालिटी है या जो गुरु है वो अपने में बांध के रखते हैं, इसलिए क्योंकि जब प्रभावित होंगे तभी फॉलो करेंगे। तो वो प्रभावित करने के लिए बहुत डीप साइकोलॉजी सुनाते हैं और ज्ञान इस तरह से सुनाते हैं कि सामने वाला प्रभावित हो जाए। अभी कुछ लोगों को ये कला आती है, इसकी ट्रेनिंग भी दी जाती है कि सामने वाले को कैसे प्रभावित करना चाहिए। तो बड़े बड़े महावाक्य सुनाते हैं या स्टाइल सुनाते, उनकी स्टाइल होती है, अथॉरिटी के रूप में बोलते हैं। अभी जो भोले भाले बाबा के बच्चे हैं वो इनकी बातों में आ जाते हैं। तो ये होता रहा है भक्ति मार्ग में, ज्ञान मार्ग में भी ये होगा। अभी देखो, सहयोग लेना और सहारा बनना है, दोनों अलग बातें। ऐसे नहीं कि वरिष्ठ अनुभवी आत्माओं से मार्गदर्शन नहीं लेना चाहिए, लेना चाहिए, सहयोगी बनना चाहिए, लेकिन शुक्रिया बाबा को करना चाहिए। पहला बाबा याद आना चाहिए और फिर उस महान आत्मा की भी शुक्रिया करना चाहिए। लेकिन अंदर से भाव ये होना चाहिए कि वाह बाबा, आपका कमाल है कि आपने इस आत्मा में इतनी सारी विशेषता भर दी। बाबा, मैं भी ऐसे ही निमित्त बन के आपकी सेवा करना चाहता हूँ। तो कनेक्शन हमारा बाबा के साथ है, ना कि उस देहदारी के साथ। ये बात को ठोक पीट कर अंदर बहुत गहराई से भरना है। जब भी हमको कहीं से भी मदद मिलती है तो शुक्रिया बाबा, क्योंकि देने वाला बाबा है। अगर किसी देहदारी के अंदर का विशेष गुण आपको अच्छा लगता है तो वो भी, उसको दिया किसने? देने वाला तो बाबा ही है ना। तो शुक्रिया हमेशा बाबा को ही करना है और कनेक्शन बाबा के साथ, क्योंकि पतित पावन बाबा है। तो इसको कहते हैं कि सतोप्रधान माया, क्योंकि ये लास्ट में उड़ने नहीं देगा। बाबा ने एक मुरली में कहा था, अगर किसी देहदारी से प्रभावित हो गए तो जब भी समस्या आएगी तब बाप नहीं आएगा याद, वो देहदारी याद आएगा। तो उतना परसेंटेज कम हो जाएगा। और यही बात है कि जो अंतिम समय में शिव बाबा की याद नहीं रहेगी। जहां अटैचमेंट होगा सूक्ष्म में, वहां बुद्धि जाएगी। अगर देह में है तो देह में जाएगी, देहदारी में है तो देहदारी में, व्यक्ति वस्तु में तो व्यक्ति वस्तु में जाएगी, लेकिन बाबा नहीं याद आएगा। इसलिए अंत मते सा गति, ये इजी नहीं है, बहुत टफ अवस्था है। ये जैसे बोलते हैं उतना इजी नहीं है। इसके लिए बहुत वैराग्य की स्टेज चाहिए और जिनके अंदर वैराग्य नहीं है वो यहाँ से डिटैच नहीं हो सकते और वहां पे अटैच नहीं होंगे। अभी कई लोग इसका भी गलत अर्थ है, डिटैच माना किसी से बात नहीं करना, अपनी दुनिया में मस्त रहना, ये भी नहीं है। बाबा ने तो हमको संतुलन सिखाया, बैलेंस में रहना सिखाया। सबके साथ हमारे रिलेशन अच्छे चाहिए, भले बात भी नहीं हो रही लेकिन अंदर से भावना एकदम शुद्ध चाहिए, शुभ चाहिए, तभी हम योग भी अच्छी तरह से लग सकता है हमारे। एक्चुअली योग लगाने वाले योगी नहीं कहते, इसलिए मैं रुक गया यहाँ पर। योग लगाना नहीं होता है, योगी जीवन होता है। लेकिन ये जो टूटने का कारण है कि हर आत्मा के प्रति शुभ भावना और शुभ कामना नहीं है, एक्सेप्टेंस नहीं है, तो वो आत्मा खींचते रहेंगे। समझो किसी आत्मा से आप डिस्टर्ब है, नाराज है, तो आप बैठेंगे योग करने को, अवस्था को पक्की करने के लिए, वो आत्मा सामने आएगी, क्योंकि आपने उस फाइल को क्लोज नहीं किया है। तो जब तक वो फाइल क्लोज नहीं होती वो पॉपअप होती रहेगी, बार बार ऊपर आते रहेगी। जैसे कंप्यूटर में पॉपअप होते हैं ना, एडवर्टाइज आते हैं, या मोबाइल में भी आते हैं, तो ये पॉपअप बोलते हैं इनको। ये ब्लॉक करेंगे आपके व्यू को, आप देख नहीं पाएंगे ना खुद को ना बाबा को। तो फाइल को क्लोज करना है और इस अग्नि को बुझाना है। बाबा ने कहा आप फायर ब्रिगेड हो, नया सामान फायर ब्रिगेड, और इसको दूसरे शब्दों में कहते योग बल। तो फायर ब्रिगेड बन के इस काम की अग्नि को जीतना है, बहुत कठिन है।
ये इतना इजी नहीं है, अनुभव कहता है बहुत सारी आत्माओं का। बाबा इसको बार बार अंडरलाइन इसीलिए करा रहा है क्योंकि यही सबसे बड़ा विघ्न है, हद की कामनाएं विघ्न डालते। भले ब्रह्मचारी रहते हैं, काम विकार में जाते नहीं है, लेकिन कामनाएं खुद से और दूसरों से बहुत है कि मुझे ये मिलना चाहिए, वो मिलना चाहिए, खाने में ऐसा चाहिए, रहने में ऐसा चाहिए, पहनने में ऐसा चाहिए, इसको मेरे साथ इस तरह से बात करना चाहिए, मुझे रेस्पेक्ट देना चाहिए, क्या क्या कामनाएं होती है। और ये सब कामनाएं बुद्धि को भटकाती है, स्थिर होने नहीं देंगे। तो इसको अच्छी तरह से समझना है, चिंतन करना है और देखना है कि मेरे अंदर कौन सी कामनाएं हैं जो मुझे डिटैच होने नहीं देती है, खुद से, दूसरों से, दुनिया से। छोड़ देना है इनको, क्योंकि ये कामनाएं बाप से दूर लेके जाती है और मैं बाप को याद नहीं कर सकता यथार्थ रूप में, डिटैच नहीं हो सकता हूँ। तो यहाँ से डिटैच नहीं होंगे तो शिव बाबा से अटैच कैसे होंगे। तो चेक करो कि कौन सी हद की कामनाएं मुझे परेशान करती है और निश्चय बुद्धि बन उनको छोड़ दो। कई लोग कहते हैं कि हम छोड़ना तो चाहते हैं लेकिन वो वापिस आ जाती है। जैसे आपने, खास करके गांव वाले होंगे या शहर वाले भी, अगर किसी जानवर को, समझो बिल्ली आपको परेशान करे, आप उसको दूर जंगल में कहीं भी छोड़ दो, आप जब तक घर पे पहुंच रहे हो उसके पहले वो बिल्ली घर पे पहुंच जाती है, बिल्ली कुत्ता हो या और कहीं। क्यों? क्योंकि उनको वाइब्रेशन से वो आ जाते हैं, उनको रास्ता पता होता है। तो ये संस्कार भी ऐसे ही है, आप इनको छोड़ना चाहो ये छूटते नहीं हैं। तो कुछ लोग कहते हैं वो वापिस आ जाते हैं। तो इसके लिए ये ड्रॉप डाउन का तरीका लोग पूछते हैं कि कैसे छोड़े, जबकि बाबा ने इसके ऊपर मुरली चलाई है और मुरली का टाइटल है छोड़ो तो छूटे। तो कई सन्यासी और स्पीकर इसको इस तरह से कहते हैं कि आपने जलते हुए कोयले को हाथ में पकड़ा है, वो कोयले के वजह से आपके हाथ काले भी हो रहे हैं, जल भी रहा है, फिर आप फिर भी पूछ रहे हैं कि ये जलते हुए काले कोयले को मैं कैसे छोड़ू। तो क्या कहेंगे ऐसी आत्मा को जिसने जलता हुआ काला कोयला अपने हाथ में पकड़ा है और कहता है कि ये छूटता नहीं है। तो बाबा कहते हैं, बच्चे, द मोमेंट यू रियलाइज, जिस क्षण आपने महसूस किया कि मैंने काला कोयला पकड़ा है या आग पकड़ी है और मैं इससे जल भी रहा हूँ, काला भी हो रहा हूँ, और फिर मैं पूछ भी रहा हूँ कि ये छूटता नहीं है, तो जस्ट ड्रॉप इट डाउन। द मोमेंट यू रियलाइज, जिस क्षण आपने महसूस किया कि ये काला कोयला जलता मैंने पकड़ा है और हाथ जल रहा है, ये जिस दिन समझ में आ गया उसी क्षण उसका ड्रॉप डाउन हो जाता है। लेकिन अभी ये महसूसता ही नहीं है कि मैं, क्योंकि विकार इतना सुख देते हैं, माया का सुख भी कम नहीं है, होता है माया का सुख और समझ लेते ईश्वरीय सुख है, इसलिए परखने की शक्ति को बहुत तीव्र करो। अभी इसमें गलती ये मत करना कि ये तो करना ही पड़ता है, कर्तव्य है। देखो, कर्तव्य और अकर्तव्य में फर्क है, धर्म अधर्म में फर्क है। कलयुग का लक्षण यह है कि अधर्म को धर्म समझ लेते हैं, अकर्तव्य को कर्तव्य समझ बैठते हैं। तो कर्तव्य तो जरूर करना है, गृहस्थ में रहते हैं तो परिवार का ध्यान रखना है, उसके लिए कमाना पड़ता है तो कमाना है, वो सब करना है, लेकिन सब करते हुए न्यारे और प्यारे रहना है, अंदर से कोई खींचे नहीं। समझाना मुश्किल है, उदाहरण देते हैं, हमने भगवत गीता में देखा मृत्यु संसार सागर है, ये सागर है ना। अब इस सागर में हमारी नैया है तो नैया डूबेगी किसकी, जिसके अंदर सागर का पानी चला जाएगा ना, और वो क्यों चला जाता है कि छेद है, तो छेद में से पानी चला जाता है, जिसको लीकेज कहा है, बुद्धि के अंदर लीकेज है। तो कितनी भी मुरलियां सुनो, कितना भी योग करो, सेवा करो, लेकिन अगर बुद्धि में लीकेज है तो लीकेज से सब एनर्जी चली जाती है, तो भरपूरता का अनुभव नहीं होता है। तो लीकेज को प्लग इन करना है, होल को बंद करना है, और वो होल ही है व्यर्थ संकल्प। अब बुद्धि जितनी स्वच्छ होती जाएगी, होल लीकेज को हम बंद करेंगे, उतना बुद्धि रूपी टाकी में स्वच्छ ईश्वरीय पेट्रोल भरता जाएगा और हमारी फ्लाइट उड़ती जाएगी।
तो अपने आप को बिल्कुल स्वच्छ कर देना है, बुद्धि को शक्तिशाली बनाना है और संतुष्ट अनुभव करेंगे। क्योंकि ये जो श्लोक है तीसरे अध्याय का, महाभक्षी है काम विकार, ऐसे कहा हुआ है। जब अर्जुन पूछता है कि ऐसा क्यों है, ये सब बाबा के बच्चे हैं, ज्ञानी तो आत्माएं हैं, फिर भी वो ऐसा क्यों करते हैं जो नहीं करना चाहिए। तो भगवान वहां जवाब है, कामेश क्रोधेश रजोगुण समुद्भवा। इसका जड़ में है काम और क्रोध, जो रजोगुण से उत्पन्न होते, दिल मांगे मोर। और ये महाशनो कहा है, महाशनो महापापमा विद्ये नहिं वैरी नाम, ये तुम्हारा नित्य वैरी है। ऐसे समझकर इस महाभक्षी महापापी काम विकार के ऊपर तुम विजय प्राप्त करो। लौकिक भगवत गीता ये कहती है। बाबा ने तो हमको बहुत डिटेल में बताया, और इसका सॉल्यूशन है, भिन्न भिन्न स्थितियों के आसन पर एकाग्र होकर बैठो। तो परसों भी सुना है था, बहुत लोगों की क्वेरी आए कि कौन कौन सा स्वमान ले। एक्चुअली थोड़ा सेवा पर होने के कारण मैं इस समय सपोर्ट नहीं कर पा रहा हूँ, नहीं तो 300 स्वमान की लिस्ट है, आपको समय पर भेज देंगे, आप उसमें से चुनना और उसका अभ्यास, ये आसन है हमारे, तो इस आसन पर एकाग्र होके बैठ जाओ तो बहुत सुंदर अनुभव करेंगे। और बाबा के साथ वफादार उसी को कहते हैं कि जो पवित्र रहते हैं। वफादार की डेफिनेशन बाबा ने कहा कि संपूर्ण वफादार किसको कहते हैं, कि जो संकल्प में भी कोई देहदारी आकर्षित नहीं करे। जो हमने देखा आज, कोई देहदारी का रूप अच्छा लगता है, किसी का गुण अच्छा लगता है ना, किसी का सहयोग अच्छा लगता है, किसी का भाषण अच्छा लगता है, ये सब क्या है, ये सब माया है सूक्ष्म में। इस समय संगम युग पर हमको केवल एक शिव बाबा ही अच्छा लगना चाहिए, बाकी सब साथ ही है, साथ ही है, माना साथ में जर्नी में है हमारे, लेकिन दिल में केवल एक शिव बाबा हो, वही संपूर्ण अवस्था का अनुभव कर पाएंगे और वो काम की अग्नि को बुझा पाएंगे। तो अपने आप को बिल्कुल हल्का छोड़ देना है, सिर से लेकर पाँव के अंगूठे तक, संपूर्ण शरीर बिल्कुल हल्का, रिलैक्स रिलैक्स, लेट गो, मेरा संपूर्ण शरीर हल्का होते जा रहा है, शांत और रिलैक्स। ध्यान दो आंखों के बीच में, महसूस करेंगे कि मैं मस्तक मणि हूँ, इस शरीर रूपी मंदिर में दिव्य प्रकाश वादी अनादि पवित्र हूँ, पवित्रता के सागर शिव बाबा की संतान। जैसे बाबा पवित्रता का सागर है, मैं भी परम पवित्र आत्मा हूँ, संतुष्ट हूँ। मेरे द्वारा पवित्रता के प्रकंपन चारों तरफ विश्व में फैल रहे हैं, मेरी रोम रोम से पवित्रता का प्रकाश निकल रहा है, जहां मैं बैठा हूं उस स्थान को पवित्र कर रहा है, जहां मेरी दृष्टि जा रही है वहां पर पवित्रता के प्रकंपन फैल रहे हैं, मुझे पवित्रता का निरंतर प्रवाह मिल रहा है। जहां तक मेरी तीसरी बुद्धि देख सकती है, पृथ्वी के सभी कोनों तक मेरी दिव्य दृष्टि जा सकती है, जा रही है, वहां तक ये पवित्रता के प्रकंपन फैल रहे हैं और सभी के अंदर लगी हुई काम की अग्नि को बुझा रहे हैं, सबकी कामनाएं शांत हो रही है। बाप समान काम देवता को भस्म करने वाली मैं आत्मा कामारी हूं, जिसके ऊपर मेरी दृष्टि पड़ी वो पवित्रता का अनुभव कर रहा है। मैं पवित्रता की देवी और देवता हूं, मेरे जड़ मंदिर में भी लोग पवित्रता की मांग करने मेरे पास आते हैं, क्योंकि अनेक काल तक मैंने पवित्रता का दान संगम युग पर दिया हुआ है। मुझे कुछ भी नहीं चाहिए, क्योंकि बाबा ने मुझे भरपूर कर दिया, मेरी सभी कामनाएं पूर्ण हो चुकी है, इसलिए मैं सही मायने में कामधेनु हूँ, कल्प वृक्ष की जड़ में हूँ।
संतुष्ट मने हूँ। मुझे बहुत हल्का लग रहा है, बहुत अच्छा लग रहा है। ओम शांति शांति शांति। सर्वशक्तिवान पवित्रता का सागर शिव बाबा हमेशा मेरे साथ है। उसने अपना वरदानी हाथ मेरे सिर के ऊपर रखा है। बाबा के हाथों से पवित्रता की शक्तियां मेरे अंदर प्रवेश कर रही है। कंटिन्यूस फ्लो सहस्त्रधार चक्र के द्वारा अपने अंदर जाता हुआ मैं महसूस कर रहा हूँ। मेरे सभी ब्लॉक चक्रास चैनल्स ओपन हो रहे हैं। बाबा की ये शक्तियां मेरे सूक्ष्म शरीर में जो भी ब्लॉकेजेस है उसको ओपन कर रहे हैं। शरीर के अंदर की हर पेशी पवित्रता की शक्ति से भरपूर हो रही है। मेरी आत्मा स्वच्छ बन चुकी है। बाबा मुझे कहता है कि बच्चे तुम मेरे हो, मैं तुम्हारा हूँ, तुम पवित्रता के सागर की संतान हो, ऊंचे ते ऊंचे बाप की संतान हो, अपने आप को पहचानो। तुमने कल्प कल्प अपनी पवित्रता की शक्ति से इस विश्व को पावन बनाया है। तुम पतित पावन बाप के बच्चे, मास्टर पतित पावन हो। जाओ विश्व की सेवा करो, सबको पवित्र बनाओ। विजय तुम्हारा ईश्वरीय जन्म सिद्ध अधिकार है। तुम्हारी विजय निश्चित है, निश्चित है, निश्चित है। मैं पवित्रता की शक्ति से भरपूर हो गया हूँ। बाबा से दृष्टि ले रहा हूँ और बाबा को कह रहा हूँ, हाँ बाबा, आप जैसे बोलोगे वैसे ही होगा। मेरा बाबा, मीठा बाबा, प्यारा बाबा, दुलारा बाबा, सच्चा बाबा और अच्छा बाबा, दयालु बाबा, कृपालु बाबा, वाह बाबा, शुक्रिया बाबा, शुक्रिया। अच्छा, ओम शांति।